वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल द ऑडियंस जो इंडिया में बैठ के ये चैनल को देख रहे हैं। तो आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, इंडिपेंडेंस डे की ओकेजन है तो इंडिया को हमने ग्रो करवाना है, तो ग्रो करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि हम एजुकेट हों और लोगों को एजुकेट करें मैक्सिमम से मैक्सिमम। विद एजुकेशन हमारी कंट्री और भी ज़्यादा तेज़ी से और अच्छी तरह से ग्रो कर सकती है। तो इन्हीं चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर जो हमारा क्रेडिट असेसमेंट का जो हम टाइप ऑफ वर्किंग कैपिटल प्रोडक्ट्स डिस्कस कर रहे हैं, उसके अंदर आज एक हम डेरिवेटिव प्रोडक्ट, एक इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है करेंसी स्वैप। क्या बोलते हैं उसको? करेंसी स्वैप। आज इसके बारे में पढ़ेंगे कि करेंसी स्वैप क्या चीज़ होती है। तो जो नेक्स्ट संडे मैं लेक्चर डालूंगा वो एक अनदर डेरिवेटिव प्रोडक्ट रहेगा, वो है इंटरेस्ट रेट स्वैप्स के ऊपर, जो नेक्स्ट लेक्चर इसके ऊपर बेस्ड रहेगा। तो जो टुडेज लेक्चर है वो करेंसी स्वैप प्रोडक्ट जो है इसके ऊपर बेस्ड आउट है। तो इसको अभी हम स्टार्ट करते हैं करेंसी स्वैप प्रोडक्ट को। देखिए, करेंसी स्वैप के बारे में हम दो चीजें पढ़ेंगे आज मोटा मोटा। इसके बारे में और ज्यादा लेंथ टू लेंथ चीजें नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि ये कैसे वर्क करता है, क्यों वर्क करता है और इसकी हमें एडवांटेजेस क्या है। तो बेसिकली एडवांटेजेस को मेरे को कोई अलग से हेडिंग बना के समझाने की जरूरत नहीं है आपको। जैसे ही आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो आप एडवांटेजेस ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही इसकी अंडरस्टैंड कर जाएंगे, इसकी समझ जाएंगे अपने आप से। तो बेसिकली आज का जो लेक्चर है हमारा कॉन्सेप्ट टॉक है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट पे ही और मीनिंग पे, मेथोडोलॉजी पे फोकस रहेगा करेंसी स्वैप्स की। तो चलिए देखिए, शुरुआत करते हैं कि डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ करेंसी स्वैप्स की कैसे काम करता है ये प्रोडक्ट। तो देखिए, इसकी शुरुआत हम कैसे करेंगे, एक एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे हम शुरुआत, एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे इस चीज को। देखिए, फॉर एग्जाम्पल इंडिया है और अमेरिका है, इंडिया एंड अमेरिका, राइट। तो इंडिया में एक कंपनी है, कंपनी ए है कि जो कि एक इंडियन कंपनी है, ये एक इंडियन कंपनी है। अब इसका क्या आगे प्लान है, इसका प्लान है कि एक प्रोजेक्ट लगाने का, प्रोजेक्ट ओपन करने का इन अमेरिका। इसका क्या प्लान है इंडियन कंपनी का कि ये अमेरिका में एक प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, अमेरिका में कुछ काम करना चाहती है, कुछ धंधा करना चाहती है, ये अमेरिका में ही अपना एक सेटअप अलग से क्रिएट करना चाहती है। तो ये क्या चाहती है, इंडियन एक सब्सिडरी कंपनी, अपने अंडर एक सब्सिडरी कंपनी अमेरिका में खोल के, अमेरिका के अंदर खोल के उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, अमेरिका के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, राइट। तो इस इन्वेस्टमेंट को करने के लिए इसको $1 मिलियन की जरूरत है, $1 मिलियन इसको रिक्वायर्ड है। तो जो $1 है वो ₹75 का है ऑन एन एवरेज, तो ये हम प्रज्यूम कर रहे हैं अपने केस के अंदर, $1 इज इक्वल टू 75 रुपीज। तो इसको $1 मिलियन की जरूरत है अमेरिका में ये काम स्टार्ट करने के लिए। देखिए, काम कहाँ शुरू हो रहा है, अमेरिका के अंदर। तो अब ये $1 मिलियन यानी कि $1 मिलियन कितने, किस 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 मिलियन रुपीज के इक्विवेलेंट हो गए, यानी कि INR 75 मिलियन, 75 मिलियन INR के इक्विवेलेंट हो गए, यानी कि 7.5 करोड़ मोटा मोटा अमाउंट बन गई जिसकी इसको रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये अमेरिका में इसको काम शुरू कर दिया। तो अभी इसके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, आप ऑप्शन ध्यान में रखिए। देखिए, अभी क्या कर सकता है ये, मतलब ऑप्शन मीन्स क्या कर सकता है, क्या चॉइस है इसके पास, चॉइस क्या है, चॉइस है कि इंडियन कंपनी जाएगा HDFC बैंक के पास, इंडियन कंपनी जाएगा HDFC बैंक के पास, उसको बोलेगा कि उसको अपना प्रोजेक्ट समझाएगा कि मेरे को अमेरिका में इस तरह से करके इन्वेस्टमेंट करनी है। तो HDFC बैंक को बोलेगा कि मेरे को 7.5 करोड़, क्योंकि देखो HDFC बैंक कहाँ पे है, इंडिया में है ना, ये हम इंडियन टेरिटरी में बैठे हैं यहाँ पे, तो इंडियन टेरिटरी की ही बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम इंडियन टेरिटरी की ही बात कर रहे हैं। तो
HDFC बैंक इंडिया के पास जाएगी, उसको बोलेगी कि मेरे को 75 मिलियन यानी कि 7.5 करोड़ रुपए की जरूरत है। तो HDFC बैंक को कंपनी ए बहुत पसंद है, उसके फाइनेंशियल्स बहुत पसंद है, उसको सिक्योरिटी कंपनी ए ने बहुत अच्छी ऑफर करी है। तो HDFC बैंक एग्री कर जाता है, HDFC बैंक एग्री कर जाता है 75 मिलियन रुपीज देने के लिए। तो जब HDFC बैंक ने 75 मिलियन रुपीज इंडियन कंपनी को दे दिए, तो इंडियन कंपनी अब क्या करेगा, एक्सचेंज रेट के ऊपर HDFC बैंक बोलेगा इसको फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कर दो। कन्वर्ट करने के लिए बोलेगा। जैसे ही उसने HDFC बैंक को कन्वर्ट करने के लिए बोला, तो HDFC बैंक 75 मिलियन रुपीस को कन्वर्ट करके इनको 1 मिलियन डॉलर में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि एक डॉलर 75 रुपीस का है, तो ये 1 मिलियन डॉलर्स बन जाएंगे। तो इंडियन कंपनी के पास 1 मिलियन डॉलर आ गए, और 1 मिलियन डॉलर उसने भेज दिया अपनी इंडियन सब्सिडरी को, तो वो सेंड कर देंगे $1 मिलियन अपनी इंडियन सब्सिडरी को, अपनी सब्सिडरी को सेंड कर देंगे, राइट। तो सब्सिडरी क्या करेगी 1 मिलियन डॉलर का, अपना बिल्डिंग लगाएगी, लैंड लगाएगी, मशीनरी लगाएगी, प्रोजेक्ट स्टार्ट करेगी। इट विल स्टार्ट जनरेटिंग रेवेन्यू। फिर ये क्या करेगी, रेवेन्यू जनरेट करना स्टार्ट करेगी, रेवेन्यू मतलब कमाई करना स्टार्ट करेगी। अब ये कंपनी ऑपरेट कहाँ पे कर रही है, ये कंपनी ऑपरेट कर रही है अमेरिका के अंदर। तो जो रेवेन्यूज हैं, रेवेन्यूज यानी कि जो कमाई होगी, रेवेन्यू विल बी जनरेटेड इन डॉलर्स ओनली। रेवेन्यू किसमें जनरेट होंगे, डॉलर्स में जनरेट होंगे। तो जब ये रेवेन्यू डॉलर्स में जनरेट होंगे, तो जो जो ये 75 मिलियन का जो लोन है, ये लोन तो इन्होंने लिया है इंडियन करेंसी में, ये लोन लिया है इंडियन करेंसी में, पर जो रेवेन्यू जनरेट हो रहे हैं वो किसमें हो रहे हैं, फॉरेन करेंसी में। अब मान लीजिए ये 75 मिलियन का जो 7.5 करोड़ रुपए का लोन था, ये 5 साल का लोन था, 5 ईयर्स टेन्योर का लोन था, 5 ईयर्स का टेन्योर था लोन का, तो इसकी मंथली रीपेमेंट भी होनी है। मान लीजिए मंथली रीपेमेंट होनी है इसकी। तो जो भी ये फॉरेन करेंसी में कमाई जनरेट होगी इंडियन सब्सिडरी के द्वारा, तो इंडियन सब्सिडरी अपनी कमाई का कुछ पोर्शन फॉरेन करेंसी में अपनी अर्निंग इंडिया भेजना स्टार्ट करेगी। क्यों भेजेगी, टू रीपे द लोन ऑब्टेन्ड इन इंडिया। जो इंडिया में लोन ऑब्टेन किया है, उस लोन की रीपेमेंट के लिए ये अपनी कमाई का कुछ हिस्सा देना स्टार्ट करेगी। तो ये अब इसने कमाई फॉरेन करेंसी में की है, तो ये क्या भेजेगी, डॉलर्स भेजेगी। तो इंडियन कंपनी के पास क्या आ गए, डॉलर्स आ गए। जब इंडियन कंपनी के पास डॉलर्स आ गए, फिर अगेन इनको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा रुपीज में। जब रुपीज में कन्वर्ट करेंगे इंडियन करेंसी में, तभी तो जो रुपीज में लोन लिया है इसकी रीपेमेंट कर पाएंगे। रुपीज में लोन लिया तो रुपीज में ही पेमेंट होगी। तो इस चीज में क्या रिस्क इन्वॉल्व रहता है, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, करेंसी का फ्लक्चुएशन रिस्क। बहुत हाई फ्लक्चुएशन रिस्क है, क्योंकि अगर मान लीजिए मंथली रीपेमेंट है, तो मंथली बेस पे ये फॉरेन करेंसी भेजेगी, तो हर मंथ के हिसाब से जब ये फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट करवाएंगे, तो अलग अलग रेट्स के हिसाब से इनका कन्वर्जन होगा, तो उनको बहुत ही ज्यादा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है अगर फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएट करती है, इसके फेवरेबली डायरेक्शन में नहीं जाती। तो बहुत बड़ा एक इस जो जो ये चॉइस है, इस चॉइस में फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन का रिस्क इन्वॉल्व रहता है, राइट। तो अब हम नेक्स्ट समझते हैं, देखिए अब नेक्स्ट समझते हैं, सिमिलर एग्जाम्पल इंडिया है, यूएसए है, अमेरिका है। अब इंडिया की कंपनी है, कंपनी ए जो कि एक इंडियन कंपनी है,
इंडियन कंपनी है, इसने अपनी सब्सिडरी ओपन करी। इंडियन कंपनी की सब्सिडरी मतलब एक अपनी एक और कंपनी खोली इन अमेरिका, राइट, अमेरिका में इसने सब्सिडरी कंपनी खोली। तो अब क्या हुआ, अब इंडियन कंपनी ये इंडिया में काफी सालों से काम कर रही है, फॉर इयर्स ये इंडिया में वर्क कर रही है, काफी पहचान है या रुतबा है कुछ भी लगा लीजिए, ये इंडिया में इनका पहचान है। तो अभी ये इंडिया में, तो अभी जो हमने प्रीवियस एग्जांपल पढ़ी कि ये इंडिया में एचडीएफसी बैंक से लोन उठाए, रुपीज में लोन उठाए, उसको कन्वर्ट करके यहाँ पे भेजे, फिर ये इनकम जनरेट करे, फिर ये इनकम यहाँ पे भेजे, तो इस चीज में हमारा करेंसी फ्लक्चुएशन का रिस्क बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहता है, राइट। तो अब इसको इसको एक बंदे ने सलाह दी, एक और बंदा आया, कहता कि मैं आपका जो फॉरेन एक्सचेंज वाला जो रिस्क था, जो ये प्रीवियस एग्जांपल वाला, आप इसको खत्म कीजिए। आप वो बोल रहा है, देखिए जो नेक्स्ट चॉइस आ रही है वो ये बोल रहा है कि व्हाई आर यू बोरिंग इन इंडिया, बोरिंग इन इंडिया। वो कह रहा है कि आप इंडिया में बोरो क्यों कर रहे हैं, व्हाई नॉट बोरो इन अमेरिका इटसेल्फ, बोरो इन अमेरिका इटसेल्फ। वो कहता है कि आपने इंडिया में एचडीएफसी बैंक के थ्रू लोन लेना प्रेफर किया, तो आप भारत में क्यों लोन ले रहे हैं, आपने अपनी सब्सिडरी को कहां पे एस्टेब्लिश किया है, अमेरिका में एस्टेब्लिश किया है, तो आप अमेरिका के ही किसी बैंक को अप्रोच कीजिए, आप अमेरिका के ही किसी बैंक को अप्रोच कीजिए, वही आपको लोन दे देगा अमेरिकन बैंक। तो फिर क्या हुआ, इन्होंने इसका कहना मान लिया, इस बंदे का, उन्होंने यहाँ पे बैंक ऑफ अमेरिका को अप्रोच किया। बैंक ऑफ अमेरिका कहाँ पे लोकेटेड है, अमेरिका में। बैंक ऑफ अमेरिका को अप्रोच किया, बैंक ऑफ अमेरिका को बताया कि भाई ये देखो मेरी एक इंडियन सब्सिडरी कंपनी है, इन्होंने अप्रोच किया बैंक ऑफ अमेरिका को यूएसए में कि ये इंडियन सब्सिडरी है, ये इसकी प्रोजेक्ट डिटेल्स हैं, ये हमारे इंडिया के अंदर फाइनेंशियल पोजीशन है, जो आप भी चेक करना है करना कर सकते हैं। तो बैंक ऑफ अमेरिका ने चेक किया, सारा समझा देखा। तो इसमें एक चीज, बैंक ऑफ अमेरिका के जो रिस्क एनालिस्ट हैं, बैंक ऑफ अमेरिका क्या सोचेगा कि भाई ये इंडियन कंपनी है, तो मैंने उसको लोन देना है अमेरिका में, मैं उसको इंडिया में नहीं जानता कि इंडिया में क्या इसका सीन है, ठीक है, ये मेरी बाहर वाली कंपनी है, ये मेरे घर की कंपनी नहीं है, तो मैं इसको को जो लोन है, जो मेरा प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, फॉर एग्जांपल अगर मैं अमेरिका में किसी को 3% रेट के ऊपर लोन देता हूँ, तो मैं इससे क्या रेट चार्ज करूंगा, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। वो क्या बोलेगा इनको कि मैं आपसे सर लोन मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, रुतबा अच्छा है, बट मैं आपको जानता नहीं हूँ, आप मेरे घर के इधर के वाले रहने वाले नहीं है, घर के लोगों के ऊपर कंफर्ट ज्यादा होता है, आप बाहर वाले लोग हैं, आपके ऊपर इतना कंफर्ट नहीं है, हमें आपकी एस्टेब्लिशमेंट अभी नहीं है, तो मैं 3% नहीं आपको 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लोन दे सकता हूँ। देखिए ये फैक्ट, तो आप 3 की जगह जो 5% के ऊपर लोन ये महंगा दे रहा है इंडियन कंपनी को, तो ये तो फैक्ट वर्ल्ड वाइड है। वर्ल्ड वाइड क्या, आप अपने घर पे ही सिचुएशन लगा के देख लीजिए। अगर फॉर एग्जाम्पल अभी मैं पंजाब में बैठा हूँ, अब मैं फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र चला जाता हूँ, अब महाराष्ट्र में मैं किसी मार्केट में कोई चीज खरीदने जाता हूँ, तो उनको पता है कि ये लोकल बंदा नहीं है, ये यहाँ का बंदा नहीं है, उनको पता लग गया लोकल बंदा नहीं है, यहाँ का बंदा नहीं है किसी तरह से, ठीक है। तो आप खुद समझिए कि क्या वो मेरे को वही प्रोडक्ट उस रेट में बेचेंगे या जो उस लोकल बंदे को बेचेंगे वहां के। एक महाराष्ट्र का बंदा अगर वहां पे लोकल स्टोर पे अगर वो जूता कोई शूज 800 रुपए का ले आएगा, मैं बाहर वाला बंदा जिसको वहां की मार्केट का नहीं पता, किसी चीज का आइडिया नहीं है, वहां का बंदा मैं अप्रोच करना चाहूंगा, तो मेरे को तो वो 900 रुपए का ही बेचेगा। तो ये तो मैंने इंटरेस्ट रेट बात कर दी। आप अपने शहर के ही मोहल्ले में लगा के देख लीजिए, आपके मोहल्ले की कोई शॉप है या आपका कोई मार्केट में शॉप है जहाँ पे आप रेगुलर जाते हैं, वहां पे कोई नया कस्टमर एंटर कर जाए, नया कस्टमर एक शॉप में एंटर कर जाए, तो उस नए कस्टमर की बार्गेनिंग पावर नहीं होती ना। तो सिमिलरली इंडियन कंपनी, मैं इसको इस तरह से लिखूंगा, इंडियन कंपनी will not be having bargaining power in America,
देखिए भाई, बार्गेनिंग पावर नहीं होगी ना तो बाहर वाले बंदे हैं ये। अब जब बार्गेनिंग पावर नहीं है तो क्या होगा, उनको लोन जो है महंगा मिलेगा। लोन जो मिलेगा उनको अमेरिका से, लोन विल बी कॉस्टलियर, लोन विल बी कॉस्टलियर, महंगा मिलेगा उनको लोन। क्योंकि रीजन बीइंग, क्योंकि ये बाहर वाले बंदे हैं, इनकी बार्गेनिंग पावर नहीं है। तो जो इंडियन कंपनी की मैनेजमेंट है वो ये भी नहीं चाहती। देखिए, वो पहले कहती है कि मेरे को जो प्रीवियस एग्जांपल थी, जो प्रीवियस सिनेरियो था, उसके अंदर जो फॉरेन एक्सचेंज की करेंसी फ्लक्चुएशन का रिस्क था, करेंसी फ्लक्चुएशन का रिस्क था, ये भी नहीं चाहिए। प्लस मैं बेवकूफ नहीं बनना चाहती, मेरे को बार्गेनिंग पावर भी रखनी है, मेरे को कॉस्टलियर लोन भी नहीं चाहिए। तो करें तो क्या करें, दोनों चीजें नहीं चाहिए वो कह रही है मुझे। तो इस सिनेरियो में फिर क्या किया जाए? अब ये चॉइस भी उसने रिजेक्ट कर दी कि ये चॉइस पे नहीं जाना, इसमें मेरे को लोन महंगा मिल रहा है। तो अब नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर जाता है कि अब क्या करें। अब देखिए, इंडिया है, अब यूएसए है, राइट। अब ध्यान से समझिए, अब करेंसी स्वैप का जो आपका कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट होता है। अब देखिए, कंपनी ए है जो कि है इंडियन कंपनी, इसको क्या करना है, इसको कंपनी ए अपनी जो सब्सिडरी है इसको यूएसए में ओपन करनी है, ठीक है, यूएसए में ओपन करनी है, ठीक है। तो इसको इस चीज के लिए कितने रुपयों की जरूरत है? इसको $1 मिलियन की जरूरत है, की नीड है। और $1 कितने रुपए का चल रहा है? 75 रुपीज को, राइट। तो ये सिनेरियो तो हमें पता है। अब देखिए क्या होता है। अब इंडियन कंपनी क्या करती है, इंडियन कंपनी एक मिरर कंपनी ढूंढती है यूएसए में, मिरर कंपनी ढूंढती है यूएसए में। एक कंपनी कंपनी बी है ऑफ यूएसए या इन यूएसए, जो यूएस की कंपनी है, यूएस में काम कर रही है बहुत टाइम से। अब ये मिरर कंपनी है, इस कंपनी को इंडिया में प्रोजेक्ट लगाना है, इस कंपनी को इंडिया में प्रोजेक्ट लगाना है। तो ये कंपनी जो बी है इसको जो सब्सिडरी जो है इसको इंडिया में ओपन करनी है। इसको जो सब्सिडरी कंपनी है वो कहाँ पे ओपन करनी है? इंडिया में ओपन करनी है। और इसको अपने काम के लिए कितने रुपयों की जरूरत है? इसको 75 मिलियन, इसको 75 मिलियन रुपीज की जरूरत है, राइट। तो देखिए, जो हमने प्रीवियस दो एग्जांपल्स पढ़ी, दो जो प्रीवियस दो चॉइसेस पढ़ी, वो सिमिलर इस कंपनी के लिए भी तो एप्लीकेबल है। कंपनी बी ऑफ यूएसए भी तो अगर यहां से बोरो करके यहां पे डालती है तो इसको भी तो सेम करेंसी का और उसका रिस्क है। तो ये भी उन दोनों रिस्क से बचना चाहती है, कि करेंसी फ्लक्चुएशन का रिस्क भी नहीं चाहिए और हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट का रिस्क भी नहीं चाहिए। तो अब ये दोनों कंपनीज देखो क्या करती हैं। अब ये दोनों देखिए, अब इस करेंसी स्वैप की ट्रांजेक्शन को बिठाने के लिए दो कंपनीज होनी चाहिए जिनकी इक्विवेलेंट प्रिंसिपल अमाउंट हो, यहाँ जहां पे जैसे $1 मिलियन है और 75 मिलियन रुपीज है, इक्विवेलेंट रिक्वायरमेंट हो, तो तभी ये जाके ट्रांजेक्शन फिट बैठ सकती हैं आपस के अंदर। तो अब देखिए ये ट्रांजेक्शन कैसे करेंगी, आप ध्यान से देखिएगा। अब मैं आपको पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखवा देता हूँ। अब पहले ये समझिए, देखिए जो ये इंडियन कंपनी है, जो जो ये इंडियन कंपनी है, जो मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल ली थी कि जो बैंक ऑफ अमेरिका है, पहले यहां पे मैं बैंक का नाम लिख दूं, यहां पे मैं बैंक का नाम लिख देता हूं, बैंक ऑफ अमेरिका, बैंक ऑफ अमेरिका, बैंक का नाम मैंने लिख दिया यहां पे। अब यहां पे मैं लिख देता हूं एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक जो इंडियन बैंक है, जो इंडिया में है, राइट, एचडीएफसी बैंक, यहां पे मैंने ये नाम लिख दिया।
अब देखिए जैसे मैंने प्रीवियस एग्जांपल बताई थी कि जो बैंक ऑफ अमेरिका है वो अपनी जो घर की कंपनी है उनको तो 3% पे लोन देता है, जो बाहर वाले बंदे हैं जिनकी बार्गेनिंग पावर नहीं है उनको 5% पे लोन देता है। तो सिमिलर जो बैंक ऑफ अमेरिका है वो कंपनी बी को कितने रेट पे इंटरेस्ट लोन दे सकता है, 3% के ऊपर, पर इंडियन कंपनी को कितने पे देता है, 5% के ऊपर, इनको कितने पे देता है, 3% के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये घर की कंपनी है, यूएसए की कंपनी है और इसकी बार्गेनिंग पावर अच्छी खासी है और इसकी है नहीं। तो सिमिलर सिनेरियो एचडीएफसी बैंक के लिए भी तो है। एचडीएफसी बैंक इंडियन कंपनी को देता है 8% पे लोन, और कंपनी बी अगर इंडिया में प्रोजेक्ट लगाती है, क्योंकि ये फॉरेन कंपनी है कोई नहीं जानता, तो एचडीएफसी बैंक इसको देता है 10% के ऊपर इंटरेस्ट, ठीक है, तो महंगा लगाएगा उसको। तो सिमिलर सिनेरियो है ना। तो इस तरह से जब सिनेरियो फिट बैठते हैं तब तब क्या होता है, तब देखिए पिक्चर कैसे बनेगी। अब कंपनी बी को चाहिए 75 मिलियन रुपीज, 75 मिलियन की इनको नीड है, और जो कंपनी ए है इनको चाहिए 1 मिलियन डॉलर, 1 मिलियन डॉलर्स, ठीक है। तो अब क्या होएगा, कंपनी बी विल अप्रोच बैंक ऑफ अमेरिका फॉर 1 मिलियन डॉलर लोन, 1 मिलियन डॉलर्स लोन। वो 1 मिलियन डॉलर का लोन उठाने के लिए बैंक ऑफ अमेरिका को अप्रोच करेगी, तो बैंक ऑफ अमेरिका ने इसको 1 मिलियन डॉलर का लोन दे दिया, 1 मिलियन डॉलर का लोन इसको दे दिया। अब कंपनी भी क्या करेगी, 1 मिलियन डॉलर का लोन कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया, 3% पे दिया, क्योंकि ये तो घर की कंपनी है। तो 1 मिलियन डॉलर का लोन को कंपनी बी ने क्या किया, कंपनी बी ने उसको दे दिया कंपनी ए को। कंपनी बी ने 1 मिलियन डॉलर का लोन किसको दे दिया, कंपनी ए को, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, राइट। साइमल्टेनियसली जो इंडियन कंपनी है उन्होंने एचडीएफसी बैंक से अप्रोच किया 75 मिलियन रुपीज के लोन के लिए, यानी कि 7.5 करोड़ रुपए के लोन के लिए एचडीएफसी बैंक ने। एचडीएफसी बैंक ने इनको ये लोन ग्रांट कर दिया, सैंक्शन कर दिया, कितने आरओआई पे करेगा एचडीएफसी बैंक, क्योंकि ये तो घर की कंपनी है, तो 8% आरओआई पे कर दिया। तो इंडियन कंपनी ने जो अमेरिकन कंपनी थी, इंडियन कंपनी ने जो अमेरिकन कंपनी थी उसको ये 75 मिलियन जो रुपीज थे, 75 मिलियन जो रुपीज थे वो सेंड कर दिए, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो नटशेल में क्या हुआ, इंडियन कंपनी को 1 मिलियन डॉलर्स की जरूरत थी, 1 मिलियन डॉलर्स की जरूरत थी और इनको ये 1 मिलियन डॉलर मिल गए। डॉलर्स की जरूरत थी और मिले भी क्या, डॉलर्स ही मिले, और कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिले, 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक है। तो अब ये इंडियन कंपनी जो अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करेगी और जो अपना रेवेन्यू जनरेट करेगी, रेवेन्यू यानी कमाई करेगी, वो डॉलर्स में करेगी। जब डॉलर्स में कमाई करेगी तो वो डॉलर्स की कमाई को अपनी मंथली जो भी रीपेमेंट होगी, रीपेमेंट रीपेमेंट करती रहेगी यूएस की कंपनी को इन डॉलर्स, डॉलर्स में रीपेमेंट करती रहेगी यूएस की कंपनी को, और जो यूएस की कंपनी है वो इन टर्न वही पेमेंट किसको भेज देगी, बैंक ऑफ अमेरिका को। तो ये इनका एग्रीमेंट का इनका साइकिल आपस में, इनका साइकिल जो है आपस में चलता रहेगा। तो सिमिलरली इंडियन कंपनी ने इनको 75 मिलियन रुपए का लोन दे दिया 8% पे, ये अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करेगी और जो रेवेन्यू जनरेट करेगी वो जनरेट करेगी रुपीज के अंदर। जब रेवेन्यू रुपीज के अंदर जनरेट होंगे तो विद इंटरेस्ट जो भी रीपेमेंट है वो इंडियन कंपनी को करती रहेगी, किसमें, रुपीज में ही करेगी ना रीपेमेंट, क्योंकि रुपीज में ही जनरेट किया है और रुपीज में ही लोन लिया है। तो इंडियन कंपनी जो है किसको भेज देगी, एचडीएफसी बैंक को। तो सिमिलर इनका भी साइकिल चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो बाय दिस वे इंडियन कंपनी को 1 मिलियन डॉलर चाहिए थे, 1 मिलियन डॉलर उनको मिल गए, 1 मिलियन डॉलर उनको फॉरेन करेंसी में ही मिले, ठीक है, उनको कोई रुपीज में कन्वर्ट कराने की या उल्टा करने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने रेवेन्यू भी डॉलर्स में कमाया, लोन भी डॉलर्स में मिल गया, उसकी रीपेमेंट भी डॉलर्स में कर दी, तो कोई करेंसी फ्लक्चुएशन का रिस्क नहीं रहा। फॉर फर्दर यूएस की कंपनी के थ्रू उनको लोन मिला, तो कहां उनको ये लोन मिलना था, 5% आरओआई पे, कहां यूएस कंपनी की मदद से उनको ये लोन मिल गया 3% आरओआई पे। तो इनको नटशेल 2% का बेनिफिट हो गया, 2% का बेनिफिट हो गया। तो सेम पिक्चर ट्रू है अमेरिकन कंपनी के लिए, उनको भी सेम अमाउंट की आवश्यक जरूरत थी 75 मिलियन रुपीज की,
जो $1.75 के हिसाब से कन्वर्ट करने के बाद हमने देखा, तो उन्होंने उसी 75 मिलियन जो डॉलर्स हैं इंडियन कंपनी के थ्रू लोन ले लिया और 8% के थ्रू उनको रीपे कर दिया, और इंडियन कंपनी जो रीपेमेंट है वो इन टर्न HDFC बैंक को भेजती रहेगी। तो ये होता है करेंसी स्वैप एग्रीमेंट, ये दिस इज कॉल्ड करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। तो ये करेंसी स्वैप एग्रीमेंट है जब दो कंपनीज आपस में इस तरह से बैठ के इन चीजों का डिसीजन करती है। तो जो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट है इसके अंदर क्या एडवांटेजेस हुई अपने को, क्या एडवांटेजेस हुई? एक तो हुआ कि करेंसी फ्लक्चुएशन का रिस्क खत्म हो गया, रिस्क मिटिगेटेड, करेंसी फ्लक्चुएशन का रिस्क मिटिगेट हो गया। सेकंड, जो फंडिंग है वो लोअर कॉस्ट पे पड़ी अपने को, लोअर कॉस्ट पे मिल गई। ये दो एडवांटेजेस हो गई करेंसी स्वैप एग्रीमेंट की, राइट। तो अभी इसके अंदर और पढ़ने वाला क्या है, अब आप ध्यान से देखिएगा। अब आगे इसमें क्या है चीज समझने वाली, देखिए वही एग्जांपल फिर से उठाता हूं। इंडिया यूएसए, कंपनी ए है, कंपनी ए है, इंडियन कंपनी, राइट। उसके बाद कंपनी बी है, यूएस कंपनी। उसके बाद कंपनी ए की जो सब्सिडरी कंपनी है ये यूएस के अंदर, और ये कंपनी ए कंपनी बी की सब्सिडरी कंपनी है इंडिया के अंदर। तो ये सिनेरियो हमने डिस्कस किया था, ठीक है। यहां पे कौन बैठा था अपने पास, यहां पे बैठा था अपने पास HDFC बैंक, HDFC बैंक यहां पे अपने पास बैठा था बैंक ऑफ अमेरिका, राइट। तो क्या ट्रांजैक्शन हुई थी, जो ट्रांजैक्शन हम अपने हमारे पास हुई थी कि जो इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी ने HDFC बैंक ने इनको 75 मिलियन रुपीस का लोन दिया था एट द रेट 8% ROI, ठीक है। यहाँ पे बैंक ऑफ अमेरिका ने इनको 1 मिलियन डॉलर्स का लोन दिया था एट 3% ROI, ठीक है। जो इन्होंने क्या किया, 75 मिलियन डॉलर्स का जो लोन था वो इनको ट्रांसफर कर दिया, राइट। अब देखिए मैंने ये जो आपको एग्जांपल समझाई है कि ये दो आइडेंटिकल कंपनीज थी, आइडेंटिकल कंपनीज नहीं, कंपनीज डिफरेंट भी हो सकती है, मतलब मेरे कहने का मतलब कि दो कंपनीज हैं, एक यूएसए में है उसको इंडिया में इन्वेस्ट करना है, एक इंडियन कंपनी है उसको यूएसए में इन्वेस्ट करना है। बाई चांस की बात है कि दोनों को सेम अमाउंट ही इन्वेस्ट करनी है, आप खुद इस चीज को समझ सकते हैं कि ये प्रैक्टिकली इस कॉम्बो को ढूंढना कितना ही ज्यादा मुश्किल है, प्रैक्टिकली इस कॉम्बिनेशन को ढूंढना कितना ही ज्यादा मुश्किल है। तो ये इस कॉम्बिनेशन को ढूंढा कैसे जाए, इस चीज को करने के लिए भी देखिए बैंक इन्वॉल्व रहता है। एक बैंक, एक कह लो मिडलमैन बीच में डाल लिया जाता है बैंक, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक मिडलमैन है इसको बोलते हैं स्वैप बैंक, स्वैप बैंक, जो कि मतलब स्वैपिंग का फंक्शन परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ स्वैपिंग, परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्वैपिंग, जो स्वैपिंग का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है एक स्वैप बैंक बीच में डाल लिया जाता है, ठीक है। तो इंडियन कंपनी ने स्वैप बैंक को अप्रोच किया कि भाई इस तरह से करके रिक्वायरमेंट है, मेरे को यहां पे इन्वेस्ट करना है, मेरे को लोन चाहिए। तो ऐसे ही कंपनी बी, इसके पास क्लाइंट्स काफी सारे रहते हैं, तो कंपनी बी ने इसको अप्रोच किया कि मेरे को इंडिया में इन्वेस्ट करना है तो ऐसे करके मेरे को पैसा चाहिए। तो स्वैप बैंक एज अ मिडलमैन, क्योंकि ये दोनों कंपनीज को जानता है, ये दोनों कंपनियां इंडियन कंपनी और अमेरिकन कंपनी एक दूसरे को नहीं जानती, उनको नहीं पता एक दूसरे की नीड्स है, तो एक मिडलमैन को इन्वॉल्व कर लिया।
तो मिडिल मैन ने रिक्वायरमेंट्स को समझ के एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन फिट करवा दिया इनका। अब देखिए वो कैसे करवाएगा इनका फिट कॉम्बिनेशन। तो इंडियन कंपनी को यहां पे चाहिए $1 मिलियन चाहिए। तो मिडिल मैन ये स्वैप बैंक क्या करेगा, ये इनको ये फंडिंग प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, कंपनी बी ने ये फंडिंग रेस की बैंक ऑफ अमेरिका से। स्वैप बैंक ने क्या किया, इनको ये फंडिंग प्रोवाइड करवा दी थ्रू दैट अपना जो भी पिक्चर है। तो ये कंपनी ए से क्या चार्ज करेगा, स्वैप बैंक उनको बोलेगा। अब देखिए कंपनी ए अगर मार्केट से खुद बैंक ऑफ अमेरिका से लोन उठाती तो 5% पे मिलना था उनको लोन। तो स्वैप बैंक ने बोला कि देखो मैं आपको ये ढूंढ के दे रहा हूँ, कंपनी बी ढूंढ के दे रहा हूँ, ऐसे करके आपको सिनेरियो अरेंज करके दे रहा हूँ। तो कंपनी बी को ये 3% के ऊपर जो लोन मिला था, तो इनको जो पहले 3% ROI पे करना था, स्वैप बैंक इनको बोलेगा कि आप मेरे को थोड़ा सा ज्यादा प्रीमियम पे कीजिए ना, मेरी सर्विस का भी तो कुछ पे कीजिए मुझे। तो स्वैप बैंक इनसे इनको लोन प्रोवाइड करवा देगा यही $1 मिलियन वाला। तो और इनसे 3.25% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर लेगा, 3.25% ROI चार्ज कर लेगा। और कंपनी बी को जो पे करेगा वो पे करेगा 3% ही, पे कितना करेगा 3% ही। और जो अपनी कमाई कितनी कर लेगा यहाँ पे 0.25% की अपनी यहाँ पे कमाई कर लेगा। इंडियन कंपनी से ले लेगा 3.25% के हिसाब से रीपेमेंट, और उनको दे देगा 3% के हिसाब से, और 25 पैसे बीच में रख लेगा। सिमिलरली जो ये 8% वाला लोन था ये इनको प्रोवाइड करेगा इसके थ्रू, तो इनसे ये चार्ज करेगा फॉर एग्जाम्पल 8.25%, और इनको पास ऑन कितना कर देगा 8%, और ये इंटर्न इसको पास ऑन कर देंगे 8%। तो यहाँ पे भी वो कितनी कमाई कर लेगा 0.25% की। तो कुल मिला के वो 0.50% की दोनों ट्रांजेक्शन के थ्रू कमाई कर लेगा। तो प्रैक्टिकली इस तरह से स्वैप बैंक एक मिडल मैन बीच में डाल लिया जाता है, जो एक करेंसी स्वैप की जो अपना पॉइंट है उसको रिजॉल्व कर देता है, करेंसी स्वैप की पॉइंट को, राइट। तो स्वैप बैंक का ये फंक्शन रहता है। बाकी मैंने जैसे एक दो बैंक्स में ये भी चीज़ देखी है, आप अपने बैंक से जाके पूछ लीजिएगा कि वो किस तरह से काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इंडियन कंपनी है, देखिए आप ये जो मैंने ट्रांजेक्शन समझाई थी फॉरेन कंपनी वाली, ये सब ट्रांजेक्शन को भूल जाइए। एक चीज़ मैंने ये भी पढ़ी हुई है कि जैसे इंडियन कंपनी ने कोई फॉरेन बोरिंग ले रखी है, ठीक है, उसकी फॉरेन बोरिंग है, फॉर एग्जाम्पल FCTL जैसे फॉरेन करेंसी टर्म लोन है वही ले रखा है, तो फॉरेन बोरिंग ले रखी है जिसको उसने 3 इयर्स में रीपे करना है, फॉर एग्जाम्पल 3 इयर्स की रीपेमेंट है, ठीक है, तो हर महीने EMI जानी है, तो EMI किस में जानी है, डॉलर्स में जानी है, राइट। तो बैंक करेंसी स्वैप के ऑप्शन के लिए अपने बैंक को अप्रोच कर सकता है, अगर बैंक उसका ये ऑप्शन उसको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है ये वाली। देखिए जरूरी नहीं है कि प्रोवाइड हो, उनको बोल सकता है कि भाई ये FCTL वाला जो लोन है, आप मेरा जो डॉलर वाला लोन है इसको करेंसी स्वैप एग्रीमेंट आप मेरे साथ कर लीजिए, आप इसमें इसको मेरे को कन्वर्ट कर दीजिए INR लोन के अंदर, और जो भी ROI आपको इसके हिसाब से चार्ज करना है आप चार्ज कर लीजिए, आप इसकी जो रीपेमेंट्स हैं वो इंडियन करेंसी में लेना मेरे से स्टार्ट कर दीजिए, इंडियन करेंसी में रीपेमेंट्स लेना आप स्टार्ट कर दीजिए, राइट। तो इस तरह से वो उस चीज को भी अप्रोच कर सकता है। तो ये चीज जैसे कैसे फिट हो सकती है मैं आपको देखिए एग्जांपल के थ्रू भी समझा सकता हूँ। देखिए फॉर एग्जांपल कंपनी ए है इंडिया के अंदर, कंपनी ए ने आईसीआईसीआई बैंक से फॉरेन करेंसी में लोन लिया हुआ है, कोई भी FCTL लगा लो, कुछ भी लगा लो, फॉरेन करेंसी का लोन लेके उन्होंने इंडिया में ही इन्वेस्ट किया हुआ है। बट इसको रिस्क, फॉरेन करेंसी लोन में रिस्क क्या है, उसको एक तो जो फॉरेन करेंसी का लोन है वो LIBOR से लिंक्ड रहता है, तो फॉरेन एक्सचेंज अपना इंटरेस्ट रेट का रिस्क रह गया, और दूसरा उसको जो करेंसी फ्लक्चुएशन का जो रिस्क है वो रह गया। इसने क्या किया, ICICI बैंक की सिक्योरिटी भी, प्रॉपर्टी भी ऑफर करी हुई है, राइट,
इसने क्या अप्रोच किया, एचडीएफसी बैंक को अप्रोच किया, एचडीएफसी बैंक को अप्रोच किया, उनको बोला कि मेरे को करेंसी स्वैप की फैसिलिटी दे दो, करेंसी स्वैप की फैसिलिटी दे दो। तो एचडीएफसी बैंक ने करेंसी स्वैप की फैसिलिटी दे दी। तो उस फैसिलिटी में कंपनी ए के पास, देखिए एक तरह से ये हेजिंग ही है ना रिस्क की, तो कंपनी ए के पास क्या ऑप्शन है कि वो, देखिए ये प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कि उसके पास इंटरेस्ट रेट, अकेला इंटरेस्ट को भी हेज कर सकती है वो, इंटरेस्ट रीपेमेंट्स को। कंपनी ये बोल सकती है कि मेरे को सिर्फ जो मैंने इस लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करना है ना, सिर्फ उसका ही स्वैप करना है, वो इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल दोनों का भी कर सकती है, वो प्रिंसिपल का भी कर सकती है, प्रिंसिपल का भी कर सकती है। तो इस तरह से अलग अलग सिनेरियो हो सकते हैं कि वो किस चीज को कैसे हेज करना चाहती है, ठीक है। तो मान लीजिए हम अपने एग्जांपल के अंदर कि वो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों का ही अपना हेजिंग करना चाहती है, तो उसने कंपनी ने एचडीएफसी बैंक को बोला कि इस तरह से मेरे को एग्रीमेंट है, मेरा आईसीआईसी बैंक के पास ऐसे लोन चल रहा है, तो आप करेंसी स्वैप की मेरे पास ऑप्शन मेरे को दे दीजिए, तो आपको जो भी चार्ज करना है कर लीजिए, ये मेरा फॉरेन करेंसी लोन है, ये लाइबर लिंक्ड लोन है और इसमें करेंसी का फ्लक्चुएशन रिस्क है। तो वो बताती है, फॉर एग्जाम्पल कंपनी एचडीएफसी बैंक को बताती है कि मेरे को डॉलर 33,000 रुपये पर मंथ की रीपेमेंट करनी पड़ती है, जो जिसमें मतलब इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों इंक्लूडेड है। तो एचडीएफसी बैंक ने क्या किया कि जो ये प्रिंसिपल अमाउंट थी लोन की, फॉर एग्जाम्पल एक $1,00,000 का लोन था, $1,00,000 का लोन था, तो इस एचडीएफसी बैंक ने अपने पास $1,00,000 का, यानी कि 75 लाख रुपीज का, एक मान लीजिए $1.75 का है, एक नॉशनल प्रिंसिपल बना लिया, एक नॉशनल प्रिंसिपल अपने पास बना लिया 75 लाख का। उसके हिसाब से इंडियन करेंसी में उसने जो इंडियन आरओआई है, इंडियन आरओआई के हिसाब से जो भी वो आरओआई चार्ज करेगा उसके हिसाब से उसने एक रीपेमेंट शेड्यूल बना लिया, उसने एक शेड्यूल बना लिया कि पर मंथ कितना पे करना है। तो फॉर एग्जाम्पल जितनी भी वो पेमेंट बनी, 3-4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए जितनी भी पेमेंट बनी, तो एचडीएफसी बैंक कंपनी ए को क्या बोलेगा कि मैं आपको जो $33,000 हैं, $33,000 मैं आपको पे कर देता हूँ, ठीक है। आप उस $33,000 को मैंने आपको पे किया, आप उसको उठा के किसको पे कर दीजिए, आईसीआईसीआई बैंक को पे कर दीजिए। इस $33,000 के बदले में आप मेरे को इंडियन करेंसी में, इंडियन रुपीज में जो भी हमने डिसाइड किया था आरओआई, जो भी हमने आरओआई डिसाइड किया था और जो भी हमने रीपेमेंट शेड्यूल बनाया था, आप उसी शेड्यूल के हिसाब से, उसी शेड्यूल के हिसाब से हमें, मुझे, मेरे को पेमेंट कर दीजिए। तो इस तरह से भी इंडियन कंपनी का रिस्क हेज हो गया, उसने करेंसी स्वैप कर ली, एक तरह से करेंसी स्वैप हो गई ना, यहाँ पे डॉलर में लोन है, उसी डॉलर को दूसरे बैंक की मदद के थ्रू उसने किस में कन्वर्ट कर दिया, रुपीज में कन्वर्ट कर दिया, और एचडीएफसी बैंक उसको डॉलर में पेमेंट करता गया और इंडियन कंपनी ने उसको जो रुपीज में रीपेमेंट शेड्यूल बना था उसी रीपेमेंट शेड्यूल के अंदर एचडीएफसी बैंक को पेमेंट करनी शुरू कर दी। अगर फॉर एग्जाम्पल अब इसमें एचडीएफसी बैंक, आप बोलेंगे एचडीएफसी बैंक को के पास तो कोई सिक्योरिटी नहीं है, वो तो रिस्क पे चला गया, एचडीएफसी बैंक कैसे रिस्क पे जाएगा, ये तो एक एग्रीमेंट हुआ हुआ है। तो पहले तो इंडियन कंपनी अपनी जो ऑब्लिगेशन है इंडियन रुपीज के रीपेमेंट शेड्यूल के हिसाब से वो एचडीएफसी बैंक को देगी, जब वो पे करेगी मंथली अपनी ऑब्लिगेशन तब एचडीएफसी बैंक उनको डॉलर दे देगा आईसीआईसीआई बैंक को रीपे करने के लिए। अगर इंडियन कंपनी देने से मुकर गई तो एचडीएफसी बैंक मुकर जाएगा पेमेंट देने के लिए, एचडीएफसी बैंक भी नहीं देगा और बात खत्म होगी, इनका एग्रीमेंट क्लोज हो गया, रद्द हो गया, जो भी चार्जेस है, जो भी इनका लिटिगेशन जो भी करना है वो कर लेंगे आपस में सेटल, ठीक है। बट इंडियन कंपनी का आईसीआईसीआई बैंक के साथ लोन चलता रहेगा, ठीक है। तो इसमें एचडीएफसी बैंक को ही ऐसा इस चीज में रिस्क में नहीं होता, राइट। तो ये सिनेरियो भी प्रैक्टिकली चलता है। अब इसमें ये भी हो सकता है कि जो ये आईसीआईसीआई बैंक है, ये आईसीआईसीआई बैंक ना हो के ये एचडीएफसी बैंक खुद ही हो, एचडीएफसी बैंक खुद के ही लोन को ऑप्शन दे दे कि आप, मैं आपको आईएनआर में कन्वर्ट कर देता हूँ आपका लोन, ये भी सिनेरियो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। अब जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल ली कि ये मिडिल मैन है, स्वैप बैंक है, ये हो सकता है कि जो ये एचडीएफसी बैंक को हमने यहाँ पे इन्वॉल्व किया कि एचडीएफसी बैंक की जगह यहाँ पे ये जैसे एचडीएफसी बैंक ही स्वैप बैंक बन जाए, ये भी तो हो सकता है, यहाँ पे बैंक ऑफ अमेरिका की जगह एचडीएफसी बैंक ही अपनी फॉरेन सब्सिडरी के थ्रू लोन दे दे, एचडीएफसी बैंक अपनी फॉरेन, एचडीएफसी बैंक की भी तो फॉरेन ब्रांचेस है ना, तो एचडीएफसी बैंक की फॉरेन ब्रांच भी तो हो सकती है। तो प्रैक्टिकली सिनेरियोस कुछ इस पिक्चर से कुछ डिफरेंट लग सकते हैं, जो रोल्स मैंने दो दो तीन तीन बंदों के डिफाइन करे उस रोल में एक बंदा भी फिट हो सकता है सभी रोल्स में, या ये वाला सिनेरियो भी हो सकता है कि यहाँ पे बैंक दूसरे बैंक का आईसीआईसीआई बैंक का लोन को हेज करके एचडीएफसी बैंक करेंसी स्वैप की फैसिलिटी दे रहा हूँ,
तो इस तरह से भी सिनेरियो फिट हो सकता है। तो करेंसी स्वैप एक बहुत, मतलब जितना मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया उससे एक बहुत वाइडर कॉन्सेप्ट है जो प्रैक्टिकल लाइफ में हम आगे देख के चलते हैं। तो मतलब समझने का क्या है कि इस तरह की एग्रीमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं मार्केट के अंदर और यूज किए जाते हैं बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के द्वारा, बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को यूज करते हैं। और हमारे समझने वाली बात है कि इससे हमारा करेंसी फ्लक्चुएशन का जो रिस्क है वो खत्म होता है और जो फंडिंग है हमारी वो लोअर कॉस्ट पे जाती है। और इसको यूज करने के तरीके, जैसे मैंने आपको ये एग्जाम्पल समझाई, इस यूज करने के तरीके इसको अलग अलग हो सकते हैं। ये जो एग्जाम्पल्स मैंने आपको समझाई थी ये तो इंडियन कंपनी फॉरन इन्वेस्ट करने जाती है, फॉरन कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करने जाती है, ये अलग एग्जाम्पल्स हैं। पर ये एग्जाम्पल भी तो पॉसिबल है, जो मैंने ये आपको एग्जाम्पल समझाई दिस एग्जाम्पल इज ऑल्सो पॉसिबल, ये काम भी तो मार्केट के अंदर किया जा सकता है। तो ये सब कुछ चलता है। आप अगर और भी जगह पे इसके बारे में रिसर्च करेंगे ना, करंसी स्वैप्स के बारे में, तो आप 99% केसेस में यही एग्जाम्पल पाएंगे जो मैंने यहाँ पे बताई आपको, ये वाली एग्जाम्पल्स ही पाएंगे क्योंकि चलती ही ये एग्जाम्पल्स हैं। बट ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताई है यहाँ पे, जो ये एग्जाम्पल हमने डिस्कस करी है, ये एग्जाम्पल आपको मेरे हिसाब से तो शायद ही देखने को मिले ऑनलाइन कहीं पे भी पढ़ने को। ये एक प्रैक्टिकल चीज है कि यहाँ पे चल सकती है इस तरह की चीज। तो आई होप आपने इस चीज को एंजॉय किया होगा। तो आप इस चीज के ऊपर याद रखिए कि हाँ, ये अपना इंटरेस्ट रेट को हेज किया जा सकता है, सिर्फ इंटरेस्ट को हेज किया जा सकता है, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों को हेज किया जा सकता है, या सिर्फ प्रिंसिपल रिपेमेंट को भी हेज किया जा सकता है। ये चीज भी ध्यान में रखिए। और साथ में आप एक चीज ये भी ध्यान में रखिए कि जो, या एक चीज और भी ऐड कर देता हूँ कि जैसे यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% और यहाँ पे जो ये 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये भी डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट इन द सेंस क्या, कि जैसे इंडिया में एमसीएलआर या रेपो रेट बेस्ड लिंक हो सकता है ये लोन, ठीक है, या फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हो सकता है। यहाँ पे ये फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हो सकता है या लाइबर लिंक्ड फ्लक्चुएटिंग भी हो सकता है। ये तो मतलब हो गए फ्लक्चुएटिंग वाले, फ्लक्चुएटिंग जो मतलब आरओआई बदलते रहते हैं, ये हो गए, ये फिक्स हो गया, ये भी फ्लक्चुएटिंग नेचर का हो गया, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के भी चार सिनेरियो बन सकते हैं कि जैसे इंडिया के अंदर आपने फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है या फिक्स है, यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग है, या दोनों जगह यहाँ पे भी फिक्स है, यहाँ पे भी फिक्स है, यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग है, यहाँ पे फिक्स है, ठीक है, या दोनों जगह फ्लक्चुएटिंग है और फ्लक्चुएटिंग है। चार सिनेरियो रेट ऑफ इंटरेस्ट के भी अलग अलग बन सकते हैं। बट दैट डजंट मैटर मच कि आपकी इसके ऊपर, तो जस्ट आपका यह है कि कॉस्टिंग के ऊपर फर्क आ सकता है, तो और ज्यादा कोई इसके अंदर फर्क नहीं रहता। तो जो फॉरेन जो जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने आपको बताया कि फिक्स फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होते हैं बेसिकली, इनका रिस्क भी जो कवर करने के लिए एक हमारे पास डेरिवेटिव प्रोडक्ट है उसको बोलते हैं इंटरेस्ट रेट स्वैप्स। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया लेक्चर बिगिन करने से पहले ही कि जो इंटरेस्ट रेट स्वैप्स वाला प्रोडक्ट है यही हमारे नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक है। तो स्टे ट्यून्ड, इस लेक्चर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने बहुत बहुत शुक्रिया फर्स्ट ऑफ ऑल कि 1000 प्लस सब्सक्राइबर हो गए, आपने बहुत प्यार दिया इस चैनल को और इसी तरह से प्यार देते रहिए। और मैं चाहता हूँ कि ये चैनल और आगे बढ़े और लोगों तक पहुँचे, आगे बढ़े हमारी कंट्री और जो कोई भी कंट्री के लोग जो हिंदी समझते हैं, जो इस चैनल को देखते हैं, जो समझते हैं, तो पढ़ते रहिए और लोगों को बताइए, एजुकेट कीजिए लोगों को। इस चैनल को नहीं आप शेयर कर रहे हैं तो आप खुद एजुकेट कीजिए अपने एंड पे, तो ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग इन चीज़ों का बेनिफिट उठा सके मार्केट के अंदर। तो मैं आपको नेक्स्ट संडे मिलूंगा इंटरेस्ट रेट स्वैप्स के लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच।